दी बिलासपुर जेपी उद्योग विस्थापित एवं प्रभावित परिवहन सहकारी सभा समिति खारसी के 4 सदस्यों ने सभा प्रबंधन पर कथित तौर पर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया है। सभा के इन सदस्यों का कहना है कि सभा प्रबंधन सभा के चुनावों को जीतने के लिए कथित धांधलियां कर रहा है। इसी कड़ी में सभा ने 4 सदस्यों की सदस्यता को समाप्त कर दिया, जिससे सभा में बवाल मच गया है। सभा के सदस्य रामपाल शर्मा ने बताया कि उसका सदस्यता नंबर 969 है तथा अब सभा नेक उसकी सदस्यता को समाप्त कर इसे सभा प्रबंधन के एक पदाधिकारी के रिश्तेदार के नाम पर कर दी गई है। इसी प्रकार गोपाल दास शर्मा ने बताया कि उसका सदस्यता नंबर 970 है तथा उसकी सदस्यता को भी सभा प्रबंधन ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर कर दिया है। वहीं वासुदेव ने बताया कि उसका सदस्यता नंबर 968 है तथा उसे भी बिना उसकी मंजूरी के लिए सभा के एक पदाधिकारी के भतीजे के नाम कर दिया है। सभा सदस्य रामदिता ने बताया कि उसका सदस्यता नंबर 973 है और उसकी सदस्यता को भी किसी अन्य के नाम पर कर दिया है। इन सदस्यों ने बताया कि सभा की प्रबंधन कमेटी के चुनाव 25 सितंबर को होने हैं तथा इन चुनावों को जीतने के लिए मौजूदा सभा प्रबंधन कथित तौर पर चहेतों को सदस्यता प्रदान कर रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी अपनी सदस्यता को स्थानांतरित करने के लिए ना तो लिखित में सभा प्रबंधन को कुछ दिया है और न ही कभी अपनी सहमति ही प्रदान की है। इन सदस्यों ने बताया कि सभा प्रबंधन ने कथित तौर पर 19 लोगों की सदस्यता को स्थानांतरित किया है। उन्होंने बताया कि इस बारे में SP बिलासपुर को भी ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कथित धोखाधड़ी कर उनकी सदस्यता को दूसरे व्यक्ति के नाम पर करने के मामले की छानबीन किए जाने की मांग की गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से संबंधित सभा प्रबंधन को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किए जाने की मांग की है तथा सभा के चुनाव प्रशासक की देख रेख में करवाए जाने की मांग की है। सदस्य हूं, मेरा नाम उदी सिंह ठाकुर है। मैं पूर्व प्रधान सभा का रहा हूं। मैं प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूं, साथ में मैं अनुरोध करता हूं सहायक पंजीयक महोदय से कि हमारी सभा की प्रबंधक कमेटी का जो कार्यकाल 9 जून 2020 को पूरा हो चुका है, उन्हें बर्खास्त करने की कृपा करें और उनकी जगह जब तक चुनाव नहीं होते हैं प्रशासक को नियुक्त किया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रबंधक कमेटी क्या क्या कर रही है। प्रबंधक कमेटी ने लगभग 19 सदस्यताएं ऐसे लोगों के नाम कर दी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। 19 लोगों की सदस्यताओं को रद्द करके अपने चहेतों को ये सदस्य का बंटवारा किया है। उसमें प्रधान ने अपनी माँ के नाम सदस्यता कर दी, उप प्रधान ने अपने अपने भाई के नाम से सदस्यता कर दी, कोषाध्यक्ष ने अपने भाई के नाम से सदस्यता कर दी, पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह ने अपने भतीजे के नाम से सदस्यता कर दी। इस तरह से महासचिव दौलत सिंह ने अपने दो भतीजों के नाम से सदस्यता कर दी। अपना एक नंबर वार्ड से अपनी सदस्यता को उठा करके 15 नंबर वार्ड में ले गया और ये सारी सदस्यताएं, लगभग 19 सदस्यताएं, नई सदस्यताएं जो है वो 15 नंबर वार्ड में दे दी, जो कि आचार संहिता के चलते अवैध है। हम प्रशासनिक अधिकारी से ARCS से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि इसकी तुरंत प्रभाव से इसकी जांच की जाए और पूरी छानबीन करने के बाद इसके ऊपर न्याय किया जाए। हम आज SP महोदय से मिले, उनको ये कंप्लेंट दी, उन्होंने हमारे को पूरी तरह से आश्वासित किया कि इसकी पूर्ण जांच होगी। उसके उपरांत हम थाना प्रभारी बरमाना गए, बरमाना के थाना प्रभारी जी ने भी यह हमें आश्वस्त किया कि इसकी पूरी जांच करके सच्चाई को सामना ला जाएगा। वहीं दी बिलासपुर जेपी उद्योग विस्थापित एवं प्रभावित परिवहन सहकारी सभा समिति खारसी के महासचिव दौलत सिंह ठाकुर ने कहा कि संबंधित सदस्य द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सदस्य दूसरी सभा के सदस्य भी हैं। हिमाचल प्रदेश सहकारी सभा के नियम अधिनियम तथा सभा के बाईलॉज के मुताबिक सभा का कोई भी सदस्य ऐसी सभा का सदस्य नहीं हो सकता जो एक जैसा व्यापार करती हो। उन्होंने कहा कि इनके नियमानुसार सदस्यता समाप्त की गई है। उन्होंने बताया कि सभा प्रबंधन के विरुद्ध झूठे आरोप लगाने के लिए सभा संबंधित व्यक्तियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि एक अन्य व्यक्ति को भी सभा ने नोटिस जारी किया है। संबंधित व्यक्ति खारसी सभा का भी सदस्य है और एक्स सर्विस ट्रांसपोर्ट सभा बरमाना का भी सदस्य है। ऐसा है कि जो आज हमारे कुछ
लोगों ने यहाँ एसपी साहब को जो ज्ञापन सौंपा है और एक शिकायत करी है हमारी ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की, तो मेरा इस संदर्भ में ये कहना है सभा की तरफ से कि ये जो लोग हैं, जो चार लोग हैं जिन्होंने ये शिकायत दर्ज की है, ये रानी कोटला जो परिवहन सहकारी सभा है उसके भी सदस्य हैं और हमारी सभा के भी सदस्य हैं। जबकि हमारा जो स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट जो है उसके मुताबिक और हमारे जो सभा के बाइलाज हैं उसके मुताबिक किसी भी समांतर कारोबार करने वाली सभा का जो सदस्य है वो एक ही सभा का सदस्य हो सकता है, और नोटिस देने के बावजूद इनकी मेंबरशिप हमने वहाँ से रद्द की है, क्योंकि चार वर्षों तक तो इन लोगों ने कोई बात नहीं की और आज ये बोलते हैं कि हमारी सदस्यता तो जो किसी और को दे दी। तो मेरा यही कहना है कि जो ये मेंबर हैं ये हमारी सभा के अब मेंबर नहीं रहे हैं, क्योंकि रानी कोटला के भी मेंबर हैं। और इसके अलावा इन लोगों ने जो इसमें कुछ लिखा है शिकायत में, वो पुलिस से भी हम बात करेंगे, और मैं बिल्कुल दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि इन लोगों के खिलाफ 182 की कार्रवाई करने के लिए हम एसपी साहब को कल मिलने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पुलिस को भी मिसगाइड किया झूठी सूचना देकर के। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि हमारा जो इलेक्शन प्रोग्राम है, हमारे 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इलेक्शन प्रोग्राम विभाग ने अप्रूव्ड कर दिया, तो इसलिए आप ये चुनावी संध्या पर इस तरीके का कार्यक्रम इन्होंने शुरू कर दिया। और इसके पीछे जो एक हमारी सभा का भी मेंबर है, क्योंकि उसको हमने नोटिस दिया है और उसकी गाड़ी हमारे परिवहन सहकारी सभा खारसी में भी चलती है, और जो बरमाना के अंदर एक्स सर्विस मैन जो परिवहन सहकारी सभा है उसमें भी वो गाड़ी चलती है, तो इसलिए वो भी 2 सभाओं के मेंबर है, उनको अपना डर सता रहा है। इसे आहत होकर के इन लोगों को ये इस कार्यवाही के लिए उत्साह, तो मेरा इतना ही।